दोस्तों, श्रोताओं, एक बात जो बहुत पुराने दौर की है, जब कभी हम दिल्ली कैसेट भरने जाते थे या बच्चे थे छोटे छोटे 10-12 साल के, तो एक भजन आया करता था दिल्ली रेडियो पर, रेडियो स्टेशन से। वो भजन था कि कैसे था वो, कि दुनिया में न्यू आए रविन विद्या नर नार, यानी शिक्षा के बगैर। इस भजन के अंदर दर्शाया गया इंसान का जीवन जो है ना अधूरा है, पशु के समान है बगैर पढ़ाई बगैर शिक्षा के। तो इसमें भजन में बहुत प्राचीन है ये, मेरा ख्याल का अभी तक मैंने किसी चैनल पे देखा नहीं है अभी तक तो, लेकिन महाराज जी सुनाएंगे इसको, तो सुनिए इसको ध्यान से। ये भजन कभी नहीं सुना होगा आपने कहीं भी चैनल पे। हाँ जी, छोटा सुन लेगा। ओ दुनिया में आए रविन विद्या नर नार, दुनिया में आए रविन विद्या नर नार, ओ कदे कदे घर में अरे था गेड़ मार, कदेर में कदी पैर में अरे था गेड़ मार, ओ अधी रात तर पहलो पहलो अधी रात तर पहला पहला वो खाके धड़ी कसार, दुनिया में नुए आए रे मिन विद्या नर नार, दुनिया में नुए आए रबिन विद्या नर नार, भाई आधी रात शिकर ते डड़गी पिसल लग्या जवार, हाँ आधी रात शिकर ते डड़गी रे पिसल लग्या जवार, ओ पीली पट्टी दिल लिखड़ा एक जोगी आया बार, दुनिया मैनू आए रबिन विद्या नर नार, दुनिया मैनू आए रबिन विद्या नर नार, बरक मुक्ता गालन चल्या भाई लंबा हाथ पसार, बरक मुक्ता गालन चल्या लंबा हाथ पसार, गोट काटना याद रे आना मुंड काटना याद रे आना, मेरे मूछ खड़ी रही बार, दुनिया मैनू आए बिन विद्या नर नार, दुनिया मैनू आए बिन विद्या नर नार, फिर चक्की छोड़ आ छोड़ दी कटिया भाई काटन लग्या धार, चक्की छोड़ दी कटिया रे काटन लग्या धार, ओ सूंग सांग के मैस कूदगी, सूंग सांग के मैस कूदगी रे फोड़े मारे चार, दुनिया मैनू आया रे बिन विद्या नर नार, दुनिया मैनू आया रे बिन विद्या नर नार, खुंटा पड़ा के ओ मास बाजगी रे लकड़ी फलते बार, खुंटा पड़ा के मास बाजगी भाई लकड़ी फलते बार, ओ लहंगा बदलना याद रे आना, लहंगा बदलना याद रे आना, ओ गया ओढ़ना तार, दुनिया मैनू आया रबिन विद्या नर नार, दुनिया मैनू आए रबिन
विद्या नर नार। भाई एक कुड़ी पैर गधे तरावे वो विष्णु भक्त कुमार। एक विष्णु भक्त कुमार बाज भक्त ने पाप पकड़ लिए। बाज भक्त ने पाप पकड़ लिए तो नरसिंह अवतार। दुनिया में नूए आए रगन गदा नर नार। दुनिया में नूए आए रगन बिन विद्या नर नार। अमरनाथ की अमर कथा। अमर कथा सुना दें जी। कितनी लंबी होगी बात यार। चार कलियां की। चार कलियां की मेरा किसके जी इसके अंदर जो सुखदेव नहीं पांच की है जी। ऐसा जो सुखदेव मुनि हुए ना ये व्यास के लड़के हुए हैं। अच्छा। जिसमें वो कहते ना भाई शिव बोले कबूतर कबूतरी वहाँ भी अमरनाथ पर ना 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 वो कबूतर कबूतरी नहीं थे वहाँ तोता का तोतन बिहारी थी जी। अच्छा, वो तोता का अंडा था जी अमरनाथ में। जब कथा सुना रहे थे ना पार्वती को अमर कथा तो वो तोता था जी। अच्छा, जिसमें भगवान भोलेनाथ पार्वती को उसके अंदर कथा भी सुनावन गुफा में तो पार्वती की आँख लागी सोगी और उसने न्यू कहा था बोला ना कि भाई तेना अंगूरा भरना है कथा मैं कहूँगा आपने सुननी अमर कथा वो सोना नहीं है न्यू का नाथ जी। तो के कारण होया कि वो अंडा जो है ना बच्चा निकलने वाला हो रहा था उसमें अंडा में तो बाहर ऐसा टाइम आ रहा था कि वो अंडा जो है ना उसके अंदर से निकल गया और वो बच्चा बनने वाला था तो वो तोता का बच्चा बन गया जी। जब माता पार्वती कथा सुन रही थी उसकी आँख लागी और वो तोता का जो बच्चा है ना वो अंगूरे भरेगा जी। अंगूरे भरेगा देखा उन्हें बोला ना उसका कहानी लिखाया बोले पार्वती तो सोरी तू कहाँ जी आँख लाएगी जी अंगूरे कौन भरिया था यू कह महाराज जी अंगूर हमने तो नहीं भरा मेरी तो आँख लागी भोलेनाथ बोले मार तो छोड़ उन्होंने मारी ताड़ी वो तोता का बच्चा फर्र उड़ गया जी। उड़ के बग लिया आगे वेद व्यास की घरवाली जो है ना वो केस सुखारी थी कोठा के ऊपर खड़ी ना अपने केस कौन लाई रही थी उसके अंदर बढ़ गया जाएगा जो बताऊँ। अच्छा। वो तोता का बच्चा वेद व्यास की घरवाली के पेट के अंदर चला गया हो। अच्छा। वो तोता तो पाछ मारा त्रसूल बोला ना गलत त्रसूल चल रहा बोड़ा उन्होंने हाथ करे नहीं औरत के ऑर्डर की गया जी वो नहीं चले अगे बोले नाथ लागे कहने माई चोर है मेरा तेरे पास मेरा चोर दे दे बोले तेरे मेरे पास आपका चोर कौन है बोले नाथ कौन है बोले तेरे अंदर है कौन है बोले ऐसे ऐसे मैं अमर कथा सुना रहा था और वो तो तेरे अंदर प्रवेश कर गया बोला देख लियो जी अगर औरत पाप हाथ उठाना चाहते हो मैंने मार के काट लियो नहीं बताओ गिल साहब वो 12 साल के बाद वो जन्म लिया था उसने 12 साल के बाद फिर ये सुखदेव मुनि जी बने थे वो है। अच्छा। जी ये सुखदेव मुनि है सुखदेव मुनि का सुनो परीक्षित समय बड़ा बलवान प्रेम से धरो प्रभु का ध्यान ये उसने भी कह रही क्या राजकिशन ने पंडित जगन्नाथ जी का ये सत्संग में सतगुरु जी हमको भाई आत्म ज्ञान सुनाते हैं ओ प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर हो जाते हैं। आ सत्संग में सतगुरु जी हमको आत्म ज्ञान सुनाते हैं आ प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर हो जाते हैं। ओ सत्संग में सतगुरु जी हमको आत्म ज्ञान सुनाते हैं प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर हो जाते हैं। हाँ प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर हो जाते हैं। एक समय श्री नर्द मुनि जी रो एक समय श्री नर्द मुनि रम ते भ्रमते कैलाश गए शिव शंकर की लगी समाधि पार्वती के पास गए आ देख अकेली
ए माता जी को अकर का कुछ उपवास गए, भोली भाली पार्वती को दे झूठा विश्वास गए, हो भोली भाली पार्वती को दे झूठा विश्वास गए। ओ नर्दमुनि तो हरिजन है वहाँ, नर्दमुनि तो हरिजन है वहाँ, आ सबका भला मनाते हैं, अंधे भक्ति बरे दान ज्ञान से मोक्ष धाम पहुंचाते हैं। ओ सत्संग में सत गुरु जी हमको आत्म ज्ञान सुनाते हैं, आज प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर हो जाते हैं। ओ नर्द मुनि तो चले गए, फिर शिव की समाधि टूटती है, शिव शंकर से नहीं बोली माई गिरजा भवानी रूठी है। जब शिव शंकर लगे रा मनावन लहर क्रोध की उठी है, तेरे गिला ब्याह करवा कर किस्मत मेरी फूटी है, हो तेरे गले ब्याह करवा कर किस्मत मेरी फूटी है। यार अम्बी अमर होने की खतर, ओ अम्बी अमर होने की खतर, ध्यान समाधि लाते हैं, देखूंगी तुम मेरे बिना कैसे संसार रचाते हैं। वो सत्संग में सत गुरु जी हमको आत्म ज्ञान सुनाते हैं, आए प्रेम से सुनने वाले श्रोता भाई आदर अमर हो जाते हैं। अनारद बोलिया, ये माता थरे घर का ढंग निराला है, एक तो अजर अमर है, दूसरा अजामने मरने वाला है। हाँ तू तो जन्मती मरती है शिव, अजर अमर उजियाला है, महादेव के गढ़ में पड़ी माँ तेरे मुंडों की माला है, महादेव के गढ़ में पड़ी माँ तेरे मुंडों की माला है। अरे तू तो जड़की ही जड़ रहेगी, हाँ तू तो जड़की जड़ रहेगी, शिव सच्चानंद कहते हैं, बड़े गजब की बात है शिव तुम्हें क्यों नहीं अमर बनाते हैं। सत्संग में सत गुरु जी हमको आत्मज्ञान सुनाते हैं, प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर हो जाते हैं। आशी बोले मत जाओ कहीं, हम तुमको अमर बना देंगे, चलो शिवालिक पर्वत पर वहाँ अमर कथा समझा देंगे। ताली तीन बजा के वहाँ के जंतु जीव उड़ा देंगे, अधिकारी पात्र बनो तो अमृत रस भरवा देंगे, हो अधिकारी पात्र बनो तो अमृत रस भरवा देंगे। शिव शक्ति दोनों चल के वहाँ, शिव शक्ति दोनों चल के कस मीर गिरी पर आते हैं, आ बैठ गुफा में ताली से सब जंतु जीव उड़ाते हैं। ओ सत्संग में सत गुरु जी हमको आत्म ज्ञान सुनाते हैं, प्रेम से सुनने वाले श्रोता आदर अमर हो जाते हैं। आ एक तो ते का अंडा गंदार है, हाँ एक तो ते का अंडा गंदा, शंकर नाम सुमरण लग्या, शिव से अमर कथा सुन के हिर देखे अन्न लगा, गिर जा पहली दसवार हुई वो
अंडा गुरे बरने लग्या प्रकृति जड़ की जड़ रे जीवो चेतन अंडा फिरने लग्या हो प्रकृति जड़ की जड़ रह गई वो चेतन अंडा फिरन लग्या अरे अमरनाथ की अमर कथा भाई ओए अमरनाथ की अमर कथा को वेद शास्त्र गाते हैं साधु राम जो कहते सुनते अबो सागर तरे जाते हैं सत्संग में सत गुर दिए हमको आत्म ज्ञान सुनाते हैं प्रेम से सुनने वाले श्रोता अजर अमर जाते बोलो सतगुरु भगवान बोल भोलेनाथ की जय।